जय माता दी। मित्रों माँ कल का एस्ट्रोलॉजी चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप हमारे लेटेस्ट वीडियो को देख सकें। मित्रों, आज हम चर्चा करने वाले हैं मेष राशि अथवा मेष लगन के प्रभाव को लेकर, उसके स्वभाव को लेकर आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो मित्रों, स्टार्ट करते हैं, आरंभ करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, अगर आपको समझना है मेष राशि अथवा मेष लगन को, देखो ये वीडियो आपके लिए लाभप्रद हो सकता है कि अगर आपका आपकी राशि मेष हो या आपका लगन भी मेष हो, तो दोनों ही व्यक्तियों को, या हो सकता है कि आपका राशि और लगन दोनों एक ही हो, तब भी ये वीडियो आपके लिए लाभप्रद रहेगी। तो इसमें आपको चेक करना होगा कि क्या आपकी राशि मेष है, लगन मेष है, या दोनों ही आपके मेष लगन या मेष राशि आपकी है, तो ये आपको देखना होगा। एक बात का ध्यान रखिएगा कि देखिए राशि और लगन में क्या अंतर है, इसके बारे हम एक वीडियो अलग से भी बना देंगे। साथ ही एक बात ध्यान रखिएगा, अगर आपकी राशि मेष है तब आपके मन पर इसका प्रभाव, मेष का प्रभाव ज़्यादा रहेगा, और अगर आपका लगन आपका मेष है तो आपका कह सकते हैं आपके बुद्धि पर, ब्रेन लेवल पर इसका प्रभाव ज़्यादा रहेगा। और अगर आपकी राशि और लगन दोनों ही एक ही है, मेष ही है, तब कह सकते हैं कि जो विचार, जो स्वभाव आपके मन में, मतलब जो भी विचारधारा आपके मन में आएगी वो आपके, आप उसको एग्जीक्यूट भी करते हुए नजर आएंगे, ऐसा कह सकते हैं। मतलब आपका जो आप सोचते हैं वही आप करते हैं, उस तरीके का प्रभाव आपको देखने को भी मिलेगा। और जब राशि और लगन एक ही हो जाएंगे तब मेष का प्रभाव आप पर सबसे अधिक आपको देखने को मिलेगा। वैसे हम अगर अपने अनुभव में देखें तो लगन, अगर मेष लगन है तो लगन के हिसाब से प्रभाव आपको बहुत अधिक देखने को ज़्यादा मिल सकता है। आप देखिए, सबसे पहले बात करें मेष की, इसको इंग्लिश में हम एरिस कहते हैं, और ये राशि है और या लगन, तो लगन को इंग्लिश में एसेंडेंट बोलते हैं और राशि को जोड़िएक साइन हम कहते हैं। अगर आपका नाम का पहला अक्षर भी ये सब लिखे जो हैं, अगर ये है तब भी आपकी मेष राशि हो सकती है, लगन तब भी नहीं होगा। लगन तो आपका, क्योंकि डेट ऑफ बर्थ में, मतलब बर्थ टाइम बर्थ प्लेस वगैरह डालकर जो आएगा आपका, तो वहाँ से आपका जो भी कुंडली आपकी बनेगी और यहाँ पर लगन में जो लिखा होगा वो आपका लगन होता है। मतलब लगन में अगर आपका मान लीजिए एक नंबर लिखा होगा तब आपका मेष लगन होगा। और क्योंकि वो जो राशि हमने बताई वो नाम राशि हो सकती है, तो नाम राशि में क्या आएगा, मान लीजिए आपका नाम का अक्षर, पहला अक्षर चू है या चे है, चो है, ला है, ली, लू, ले, लो, आ, अगर ये आपके नाम के पहले अक्षर हैं तब भी आपकी राशि मेष हो सकती है, तब भी ये गुण आपके अंदर आ सकते हैं। अब देखिए, इसके प्रभाव को अगर आपको समझना है तो कोई याद करने वाली बात इसमें नहीं रहेगी, क्योंकि ज्योतिष विद्या के अंतर्गत यहाँ पर जो भी हमारे मतलब जो भी कुछ यहाँ पर आपको पता लगेगा, इसमें मतलब सब कुछ एक तरीके से किसी न किसी फैक्टर बेस पर, मतलब वो आपको पता लग सकता है, आप जान सकते हैं, कहीं ना कहीं किन्हीं न किन्हीं चीज़ों पर निर्भर करते हैं। जैसा कि अगर राशि को हम समझाना चाहते हैं तो वो राशि अपने चिन्ह पर निर्भर करेगी, कि राशि का जो चिन्ह है वो आपको समझाएगा कि इस राशि के अंतर्गत जो व्यक्ति हैं उनके अंतर्गत क्या गुण होंगे। तो राशि का चिन्ह बताएगा, राशि स्वामी बता सकते हैं कि राशि है उसकी, उसको जो लीड कर रहा है, रूल कर रहा है जो ग्रह, वो उसका जो स्वभाव होगा वो भी कहीं ना कहीं उस राशि के प्रभाव को बताएगा। साथ ही राशि का जो तत्व होगा, राशि का गुण और बॉडी पार्ट, ये बताएगा कि कौन से बॉडी पार्ट में ये राशि आपको ज़्यादा, मतलब जो डोमिनेट करती है, किस बॉडी पार्ट को करती है, तो वो भी यहाँ पर आपको बताएंगे कि इस राशि से कौन सा बॉडी पार्ट आप देखते हैं, तो वो भी हम यहाँ पर बताने वाले हैं। अब सबसे पहले बात करेंगे राशि के चिन्ह की। देखिए, मेष राशि का जो चिन्ह होता है, सिंबल जो होता है, वो भेड़ होती है, भेड़ में भी मेढ़ा, मतलब जो भेड़ का मेल होता है वो आपका जो है इसमें आता है मेष में। अब इसी से ही हम इसका प्रभाव जानेंगे कि आपने जैसा देखा होगा कि भेड़ से हम देखते हैं कि हम भेड़ा चाल शब्द भी यूज़ करते हैं, या भेड़ा चाल क्या कहते हैं, कि मतलब भेड़ क्या होती है, कतार में लाइन में चलती चली जाती है, एक व्यक्ति उस भेड़ को चला रहा होता है और सारी की सारी भेड़ एक लाइन में चलती चली जाती हैं एक साथ। तो मतलब यहाँ से आपको पता लगता है कि इन व्यक्तियों के अंतर्गत भेड़ा चाल का भी गुण हो सकता है, और या फिर वहाँ से फॉलो करने का भी गुण पता लगता है कि एक व्यक्ति जो चला रहा है, सारी भेड़ एक दूसरे के साथ ही चलती चली जा रही हैं, तो कहीं ना कहीं एक साथ की भी साथ भी दिखाई दे रहा है, कि मतलब हो सकता है कि ऐसा व्यक्ति को कहीं ना कहीं किसी एक व्यक्ति का साथ चाहिए रहे,
ये भी यहाँ पर कह सकते हैं। दूसरा ये भी कह सकते हैं कि जो इन व्यक्तियों को किसी ना किसी डायरेक्शन देने वाले व्यक्ति की भी आवश्यकता रहती है कि जिन अगर कोई व्यक्ति इनको सही डायरेक्शन दे दे तो ये उस रास्ते पर सीधे चले जाते हैं, एक तरीके से आप यहाँ पर ये भी समझ सकते हैं। और कह सकते हैं भेड़ चाल भेड़ जोड़ा झुंड में रहती है, तो ग्रुप में रहना, ग्रुप स्टडी करना, ग्रुप में रहना, ग्रुप बनाकर काम करना, नेटवर्क बनाकर काम करना हो सकता है इन व्यक्तियों को बहुत अधिक पसंद हो। तो ये भी बातें हमें यहाँ से भेड़ के उससे पता लगती है। साथ ही गतिशीलता वहाँ पर दिखाई दे ही रही है, और वैसे भी आगे भी जब हम बात करेंगे गुण की, राशि के गुण की, तो वहाँ पर भी बताएंगे गतिशीलता भी काफ़ी अधिक यहाँ पर देखने को मिलेगी, क्योंकि भेड़ वगैरह ये भी आपको गतिशील फुदकती हुई भी कह सकते हैं, मतलब वो सब चीज़ें थोड़ा उसका बच्चे को अगर हम देखेंगे तो वो सब दिखेंगे, तो ये भी हम यहाँ पर गुण देख सकते हैं। साथ ही भेड़ के पास सिंह भी हैं, अब उस सिंह से और आगे जब हम राशि स्वामी पर भी आएंगे तो मंगल के पास भी अस्त्र शस्त्र दोनों हैं। तो यहाँ से सिंह से हमें क्या पता लगता है कि वो सिंह हो सकते हैं, उसके पास अगर है तो उस सिंह से वो अपनी रक्षा भी कर सकती है और आपको मार भी सकती है, मतलब एक तरीके से सिंह से भी दोनों काम हैंगे वहाँ पर, मतलब खुद की भी प्रोटेक्शन कर सकती है और दूसरों को मारने वाली भी कर सकते हैं। तो ये गुण भी वहाँ पर होगा कि प्रोटेक्शन का गुण भी व्यक्ति के अंदर पाया जाता है कि ऐसा व्यक्ति अपना प्रोटेक्शन करने वाला होता है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति इनको परेशान करेगा तो फिर ये व्यक्ति उसको मतलब वहाँ पर उसको चोट भी पहुँचा सकते हैं, ऐसा आप समझ सकते हैं। ये भी मेष लग्न के जातकों में देखने को मिलेगा। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर राशि स्वामी पर आते हैं। राशि स्वामी जैसा कि हम देख रहे हैं मंगल है, तो अभी मंगल का जो तत्व है वो अग्नि तत्व है और ये राशि भी अग्नि तत्व है, क्योंकि राशि का भी जो तत्व हमने लिखा अग्नि तत्व है, मतलब इस लग्न के जातक अथवा जातिकाओं के अंतर्गत अग्नि का प्रभाव बहुत अधिक है। अब अग्नि के कारण हमारे अंदर क्या होती है, हमारे अंदर इच्छा जागृत होने लग जाती है। जैसे आपने एक शब्द सुना होगा, आमतौर पर हम कह सकते हैं कि आपको इस काम करने की बहुत आग है, बहुत आग लगी हुई है, ये काम करना ही है, मतलब इस तरीके की आग का मतलब क्या कहते हैं, जब हम ऐसा बोलते हैं किसी व्यक्ति को कि बहुत तीव्र इच्छा हो रही है तेरी इस काम को करने की, कि तुम्हारे अंदर आग है, तो यहाँ पर कह सकते हैं कि जो आग शब्द हम जो आमतौर पर भाषा पर यूज़ कर लेते हैं वो एक तीव्र इच्छा को बताता है। इसका मतलब अग्नि तत्व हमें क्या बता रहा है यहाँ पर, तीव्र इच्छा इस व्यक्ति के अंतर्गत है। किसके कारण, आप देखिए मंगल के कारण तीव्र इच्छा हुई, तो यहाँ पर मंगल के कारण एक तो बात देखने की मिलेगी बदले की भावना, रिवेंज भी आएगा, क्योंकि मंगल यहाँ पर सेनापति है, योद्धा है, तो आप समझ सकते हैं कि वो व्यक्ति अगर कोई भी व्यक्ति इनके काम में अड़चन डालेगा तो ये उसको परेशानी करेगा, तो ये उसको चोट भी पहुँचा सकते हैं, और आप या फिर कहीं ना कहीं अगर इनको कोई डायरेक्शन मिलती है तो प्रोटेक्शन करने का भाव भी मंगल के कारण वहाँ पर भी देखने को मिलेगा। लेकिन क्या होगा, जिद्दीपन आ जाएगा, क्रोध की भावना, एग्रेशन, शॉर्ट टेम्पर जिसे कहते हैं, जल्दी गुस्सा हो जाने वाले व्यक्ति, इस तरीके का भी प्रभाव अग्नि तत्व के कारण यहाँ पर भी देखने को मिलेगा। इच्छाएं तीव्र इच्छा कह सकते हैं, किसी भी काम को करने की तीव्र इच्छा रहती है तो फिर वो उसको एग्जीक्यूट भी जल्दी कर देते हैं, ऐसा भी रहता है, और लेकिन अग्नि तत्व जब प्रधान हो जाता है तो व्यक्ति में गुस्सा बहुत जल्दी आने लग जाता है, तो उस बात को भी यहाँ पे आप देख सकते हैं, और पेशेंस लेवल, धैर्य की थोड़ी कमी होती है, ऐसा भी कह सकते हैं। और मंगल के कारण यहाँ पर इंस्पिरेशन, प्रेरणा वगैरह व्यक्ति को मिलती है। अब देखिए यहाँ पर राशि का तत्व, जैसे कि हमने बताया है अग्नि तत्व है, फायर एलिमेंट है, तो कुछ करने की आग व्यक्ति के अंतर्गत रहती है, तीव्र इच्छा, मतलब ऐसा व्यक्ति आमतौर पर खाली बैठने वाला नहीं होगा, कुछ ना कुछ उसको करना है, काम करने का उसका मन करता रहेगा और वो आगे बढ़ता रहेगा, ऐसा आप समझ सकते हैं। और यहाँ पर देखिए राशि का गुण को अगर हम समझें तो राशि का गुण तीन होते हैं, चर, स्थिर, द्विस्वभाव, तीन तरीके की राशियाँ होती है, चर राशि होती है, 1, 4, 7, 10, ये राशि चर राशि है जिसमें मेष राशि भी आ गई, और स्थिर राशि आपकी 2, 5, 8, 11, ये स्थिर राशि है, मतलब जिसमें वृषभ राशि, सिंह राशि, वृश्चिक राशि, कुंभ राशि हो जाएगी, और 3, 6, 9, 12 मिथुन, कन्या, धनु और मीन, ये आपकी द्विस्वभाविक राशि होती है, मतलब चर राशि है। चर वाली राशि जो होती है वो थोड़ा मूवेबल होती है, और जो स्थिर राशि होती है वो फिक्स साइन होते हैं आपके, और जो द्विस्वभाव होते हैं जिसमें दोनों गुण पाए जाते हैं चर और स्थिर, मतलब वो फिक्स भी रहती है, मूव भी करती हैं। अब यहाँ पर हमने क्या बताया, इस राशि का जो गुण है, मेष राशि का जो गुण है वो चर वाला है, अर्थात यहाँ पर मूव करने का गुण ज़्यादा है, मूवेबल है। मूवेबल का मतलब क्या होगा, बदलने का गुण, एक तो गतिशीलता दिखाई दे ही रही है, भेड़ भी चल रही है, फुदक रही है कह सकते हैं, तो वो चीज़ गतिशीलता वहाँ पर भी दिख रही है आपको, और चर राशि होने के कारण वैसे भी गतिशील है, मतलब व्यक्ति को घूमने फिरने का भी शौक हो सकता है, गतिशील रहता है व्यक्ति, काम में लगा रहता है, ऐसा भी यहाँ पर कह सकते हैं। और मूव करने का मतलब ये भी रहेगा, व्यवहार को बदल भी सकता है, अपने नेचर को, अपने स्वभाव को, मतलब नेचर स्वभाव के अंतर्गत यहाँ पर विशेष बात आप ध्यान रखें कि मान लीजिए व्यक्ति कोई कार्य कर रहा है, उससे गलती हो रही है और सामने वाले ने व्यक्ति ने आकर उसको बता दे कि भाई गलती होगी, एक व्यक्ति होता है बड़ा अड़ी जाता है कि भाई नहीं मैं तो सही हूँ, मैं सही हूँ, मतलब वो समझने के बाद सामने वाला अगर एक डायरेक्शन दे रहा है, सही बता रहा है,
तो वो समझ कर अपने आप को बदल सकता है, अपनी बात पर अड़ा नहीं रहेगा, ऐसा हम कह सकते हैं। तो ये भी यहाँ पर कह सकते हैं कि अपने व्यवहार को समय के साथ साथ परिवर्तन कर लेते हैं, बदल जाते हैं। और जब हम अपने व्यवहार को बदलते हैं तो आप समझते हैं कि व्यवहार को बदला जाता है, इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारे अंदर कोई त्रुटि आती, कोई कमी आती, इसका मतलब व्यक्ति में सुधरने का प्रयास भी व्यक्ति करता है, इम्प्रूवमेंट की ओर हमेशा जाता है। मतलब हो सकता है कि आज हम जिस स्टेज पर हों, किसी भी अपने वर्क प्लेस पर भी कह सकते हैं, मतलब अपनी प्रोफेशनल लाइफ के अंदर जिस भी स्टेज पर हो, वहाँ पर हमारे अंदर अगर अपने आप को आगे बढ़ाने का गुण, क्योंकि तीव्र इच्छा तो व्यक्ति में वैसे भी बहुत है, तो आगे बढ़ने का गुण व्यक्ति में सदा बना रहेगा, और साथ ही अपनी जो गलतियाँ हैं उनको सुधार कर आगे बढ़ना व्यक्ति जरूर चाहेगा। इंप्रूवमेंट में हमेशा लगे रहते हैं, अपनी गलतियों को देखना और फिर उसके बाद उसको इम्प्रूव करके आगे बढ़ना, क्योंकि गलतियाँ इनसे होती रहती हैं। मंगल जल्दबाजी जिसे कहते हैं ना, जल्दबाजी है इनमें, तो जल्दबाजी के कारण बहुत सारी गलतियां करते रहते हैं, छोटी छोटी गलतियां होती है जिसके कारण इनको बड़ी परेशानी सामने इनके जीवन में आती है। अब इसका जो बॉडी पार्ट होता है वो ये वाला पार्ट आपका हेड होता है, मस्तक वाला जो पार्ट है, ये पार्ट इनका, ये इसमें इस राशि का जो ये जो राशि आती है बॉडी पार्ट के अंतर्गत, तो वो यहाँ पर आती है आपके। और आपने कालपुरुष कुंडली भी देखी है, मतलब कुंडली के अंतर्गत भी ये एक नंबर अगर बात करें तो मेष लगन यहाँ पर लगन में आता है, ठीक है। तो ये वाला पार्ट है, तो इस वाले पार्ट के हिसाब से हम कह सकते हैं कि व्यक्ति का इंटेलेक्चुअल लेवल भी काफ़ी हाई होगा, और साथ ही यहाँ पर क्योंकि सर पर जब ये मेष राशि का प्रभाव है, क्योंकि यहाँ पे मंगल इसको लीड कर रहे हैं, तो व्यक्ति में गुस्सा बहुत जल्दी रहता है, एग्रेसिवनेस ज़्यादा रहता है, एग्रेसिव हो जाता है जल्दी, तो ये सब चीज़ें आप कह सकते हैं धैर्य की कमी थोड़ा, और जिद्दीपन भी होता है। ऐसा नहीं है कि व्यवहार को बदल तो लेते हैं, ऐसा नहीं कि व्यवहार को नहीं बदलते, बदल लेंगे, लेकिन जिद भी दिखाएंगे। तो आप इनकी जिद को भी देखेंगे, कुछ व्यक्ति क्या होते हैं जिद भी दिखा रहे हैं बाद में भी चेंज नहीं होते, वो फिक्स रहते हैं, जैसा कह दिया कुछ भी हो गया कोई वो उनको वे बदलते नहीं है। लेकिन ये व्यक्ति हो सकता है थोड़ा जिद दिखाए, फिर बाद में क्या करेगा, अपनी गलती का एहसास करेगा, उसके बाद अपने आप को बदलने का भी प्रयास अवश्य करेगा। इस प्रकार आप इनको समझ सकते हैं। इसके बाद देखिए हमने कुछ बातें यहाँ पर और भी इसमें देखी है, तो यहाँ देखो एक तो ये धर्म त्रिकोण की पहली राशि, आपने देखा कि ये कुंडली है, आप कालपुरुष कुंडली को जो बनाते हैं मेष लगन से बनती है, तो स्टैंडर्ड कुंडली होती है, तो वहाँ पर एक नंबर पहले आता है, लगन में आता है। और आप जानते हैं धर्म त्रिकोण कौन सा होता है, मतलब 1, 5, 9, ये जो भाव है प्रथम भाव, पंचम भाव, नवम भाव, ये आप मिलकर क्या बनाते हैं, धर्म त्रिकोण बनाते हैं। तो धर्म त्रिकोण में क्या होती है, ये राशि आती है, तो इसका मतलब क्या होगा, व्यक्ति में धर्म की भावना भी काफ़ी अधिक पाई जाती है, व्यक्ति धार्मिक प्रवृत्ति के भी मेष लगन के जातक अथवा जातिकाएँ पाए जाएंगे। साथ ही क्योंकि ये राशि आप जानते हैं कि 12 राशियों में सबसे पहले नंबर पर, मतलब जो महाचक्र है उसकी प्रथम राशि है, प्रथम राशि है, इसका मतलब क्या है कि नंबर 1 की राशि है, तो व्यक्ति भी क्या होगा, उसकी इच्छा रहेगी सदा नंबर 1 पर बने रहने की। अगर आपको टॉप पर बने रहना है, नंबर 1 पर बने रहना है, तो उसके लिए बहुत अधिक प्रयत्न भी करना होगा। साथ ही अगर आप इसके रोल नंबर ही आपका अगर 1 है, और आपके मतलब मान लीजिए आपका इंटरव्यू हो रहा है, सबसे पहला नंबर आपका ही है, तो कहीं ना कहीं आप या फिर और भी कोई कहीं पे भी आप कह सकते हैं कि अगर आप नंबर 1 पर हैं, सबसे आगे खड़े हैं, तो आपको हो सकता है इनिशिएटिव भी लेना पड़े, मतलब किसी भी काम की शुरुआत आपको करनी पड़े, तो वहाँ पर आप लीडरशिप क्वालिटी भी इनके अंदर देखेंगे। हो सकता है कि इनके अंदर लीडरशिप क्वालिटी विद फॉलोइंग नेचर, इसको भी आप समझिएगा कि मतलब फॉलो करने का गुण आपने देखा है, भेड़ के अंतर्गत आपने देखा है फॉलो करने का गुण है। मंगल एक सेनापति है, किसका, राजा का, सूर्य का, तो कह सकते हैं कि वो किसका, उसको मतलब वो भी क्या करता है, फॉलो करने का गुण उसमें है, वो राजा को फॉलो करता है, जैसा उसको आदेश मिलता है वैसा वो काम करता है। और अगर आप आज के समय में देखें, मतलब आर्मी मैन को देखें, तो वो भी सरकार गवर्नमेंट को फॉलो करती है, जैसे ऑर्डर आते हैं वैसा वो वहाँ पे काम कर देती है। तो इसका मतलब यहाँ पर आप समझ ही सकते हैं कि फॉलो करने का गुण है, लीडरशिप क्वालिटी तो है उसमें, लेकिन फॉलोइंग नेचर के साथ है, किसी को फॉलो करके तब वो लीड करता है, ऐसा भी आप समझ सकते हैं। तो अब यहाँ पर नंबर 1 की राशि है, तो ये बात तो पता लग गया कि इनिशिएटिव लेने का व्यक्ति के अंतर्गत नेचर होता है, इनिशिएटिव लेना है, नंबर 1 पर बने रहने का गुण, जैसे कुछ बच्चे होते हैं जो क्लास में फर्स्ट आते हैं, तो इस तरीके के अभी आप समझ सकते हैं। और एक बात और होती है कि जब हम टॉप पर होते हैं, जब हम नंबर 1 पर होते हैं, तो लोग जेलस भी करते हैं, लोग ईर्ष्या भी करते हैं, कुछ लोग हमारी टांग खींचने वाले होते हैं, तो वो भी इनके साथ भी होता है साथ साथ। और वहाँ पर हम हो सकता है अकेले भी खड़े हों, ये भी होता है, क्योंकि जब हम कहीं ना कहीं हम बहुत अधिक प्रोग्रेस कर रहे होते हैं, सर्वोच्च पर खड़े होते हैं, उन्नति के शिखर पर खड़े होते हैं, तो वहाँ पर कहीं ना कहीं हम अकेले रह जाते हैं। और मतलब ऐसा आप समझ सकते हैं, ग्रुप के साथ तो चलना ही का काम है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं जब व्यक्ति टॉप पर रहता है तो शुरुआत उसको अकेले ही करनी पड़ जाती है, ऐसा भी कह सकते हैं। और वहाँ पे वो क्योंकि जलने वाले लोग या फिर कहीं ना कहीं इस तरीके की प्रवृत्ति के लोग भी वहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे।
तो ये भी स्थिति यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मतलब कहीं ना कहीं ये व्यक्ति जीवन में अकेले भी आपको देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पर देखो, ये सब हमने समझा है, साथ ही लगन की राशि जो मेष राशि है वो लगन पर आती है, कालपुरुष कुंडली में पहले नंबर पर लगन पर आती है। तो लगन आपका क्या होता है कि आपका खुद का एक बॉडी है और आपकी कह सकते हैं इंटेलेक्ट है आपका लगन, और आपका कह सकते हैं सेल्फ आपका खुद के बारे में बताता है। तो कह सकते हैं कि यहाँ पर व्यक्ति अपनी एक लड़ाई जो है मेष राशि में कहीं ना कहीं फाइटिंग है, का मंगल का काम फाइट करना है, तो जो फाइटिंग है वो कहीं ना कहीं सेल्फ रेस्पेक्ट के लिए भी रहती है, क्योंकि नंबर वन पर भी बने रहना है, अपनी वैल्यू को बनाए रखने के लिए, सेल्फ रेस्पेक्ट के लिए हमेशा व्यक्ति लड़ता है। हो सकता है कि आपके घर परिवार के अंतर्गत भी व्यक्ति अपना ये दिखाए कि भाई मेरे को रेस्पेक्ट चाहिए, मतलब कहीं ना कहीं सेल्फ रेस्पेक्ट व्यक्ति को चाहिए ही रहता है, ऐसा भी आप समझ सकते हैं। अब इसके बाद देखिए, लक्ष्य की ओर व्यक्ति का पूर्ण ध्यान है, आप देख रहे हैं भेड़ का, आप किसी भी मतलब सैनिक को भी देख सकते हैं, आर्मीमैन को देख सकते हैं, उसका अपना टारगेट फिक्स रहता है, जो टारगेट होता है उस पर वो मतलब लक्ष्य की ओर पूरा ध्यान रहता है, उसको शूट कर देता है। तो मतलब व्यक्ति जो मेष लगन के जातक अथवा जातिका हैं वो अपने जो भी उनका एम होता है उसका उस पर फोकस करते हैं और अपना आगे बढ़ते हैं, लक्ष्य की ओर पूर्ण ध्यान रहता है। जैसे कि भेड़ जो डायरेक्शन मिली उसी में सीधे सीधे चलते चले गए, उनको मतलब अगर बीच में अगर कोई डिस्टर्ब कर देता है तो व्यक्ति कन्फ्यूज हो जाता है, वहाँ पर उनको परेशानी रहती है। मान लीजिए अगर आप गवर्नमेंट मतलब कहीं से आर्मी मैन को खबर है कि ये व्यक्ति को टारगेट करके इसको शूट करना है, और बीच में शूट करते 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 समय तुरंत एकदम कहीं ना कहीं से कन्फ्यूज़न अगर क्रिएट हो जाए तो व्यक्ति कुछ कर नहीं पाएगा, वहाँ पर वो कन्फ्यूज़न की स्थिति में आ जाएगा। इसी तरीके से या मान लीजिए भेड़ जो चल रही है सीधा डायरेक्शन, उसको डायरेक्शन मिल रही है और मान लीजिए उसकी डायरेक्शन को एक बार इधर कर दे एक बार इधर कर दे, वो कन्फ्यूज़ हो जाएगी, वो कहीं ना कहीं फिर वो खड़े रह जाते हैं, वो कुछ नहीं कर पाते उस समय उस वाली स्थिति के अंतर्गत। तो ऐसी स्थिति इस लगन के जातक अथवा जातिकों में देखने को मिलेगी, अगर सही डायरेक्शन नहीं मिल पा रही है तो कहीं ना कहीं व्यक्ति खाली बैठा है, ऐसी भी स्थिति में आ सकता है। तो ये स्थिति भी आप देख सकते हैं। समर्पण का भाव आपने देखा ही है, एक सेनापति का समर्पण अपने राजा को पूर्ण रूप से होता है कि जिस प्रकार के आदेश आएंगे उस तरीके से व्यक्ति करेगा। इसी प्रकार से अगर वर्तमान मतलब इस लगन के जातक अथवा जातिकों को देखें तो इनका अपना समर्पण भाव अपने बॉस को रहता है। मान लीजिए बॉस ने कहा कि आज 6 बजे तक काम करना है तो व्यक्ति 6 बजे तक काम करे, शाम के 6 बजे तक, रात के 10 बजे तक काम करना है, ये इतना काम इतना आज करना ही है, फिनिश करना है। तो इस तरीके से मतलब जो सामने से ऑर्डर आते हैं अपने मालिक की बातों, जो भी उन्होंने निर्देश दिए हैं या इस काम को इस तरीके से करना है, जो भी इनको एक डायरेक्शन इनको इनका बॉस देता है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं ये ऑर्डर हर किसी की बात नहीं मानने वाले हैं। अगर हम यहाँ पर आदेश की बात कर रहे हैं, डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, ये डायरेक्शन हर किसी की स्वीकार नहीं करेंगे कि अगर कोई व्यक्ति कोई भी ऐरा गैरा व्यक्ति आकर इनको डायरेक्शन देते तो ये मान लेंगे, नहीं। एक सूर्य के समान व्यक्ति मतलब जो एक आदेश देते हुए बात करे, ऑर्डर देते हुए बात करे, ऑथेंटिक पर्सन हो, तो वहाँ पर मतलब उसकी व्यक्ति की बातों को मानेंगे और फिर ये काम करेंगे। जैसे अगर आप आर्मी मैन को देखते हैं तो आर्मी मैन हर किसी की बात नहीं, लेकिन हाँ जो एक सरकार की तरफ से एक आदेश रहेंगे गवर्नमेंट की तरफ से, वो उनको फॉलो करेंगे और फिर उसके बाद ये अपना काम करेंगे। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं, समूह में रहना, ये आपने देख ही लिया है कि समूह में रहती है भेड़ वगैरह, तो वो चीज़ें फॉलो करने का गुण, तो मतलब ग्रुप वगैरह इनका मिलेगा और ग्रुप में रहकर काम करना इनको पसंद भी रहेगा। मतलब एक तरीके से ये कि ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत भी वर्क करते हैं ऐसा आप समझ सकते हैं, वहाँ पर एक डायरेक्शन मिलती है और ये लीड करते हैं, लीड भी करेंगे। अनुशासन प्रिय होते हैं, आप ये समझ ही सकते हैं कि आर्मी में कितना अनुशासन वगैरह होता ही है, डिसिप्लिन होता है, पंचुअलिटी होती है, टाइम के बहुत पंचुअल होते हैं, और इंटेलेक्चुअल लेवल हमने बताया या बुद्धिमान होंगे, और इनकी एकाग्रता बहुत अच्छी होती है। ये आप समझते ही हैं कि अगर आप एक मंगल सेनापति है तो उसको अपने लक्ष्य दिख जाए तो उसका भेदन कर देगा, तो ऐसा आप समझ सकते हैं। तो अच्छी एकाग्रता भी वहाँ पर देखने को मिलेगी और साहसिक प्रवृत्ति ये बहुत ज़्यादा इसमें मंगल के केस में आप देखने को मिलेगा ही आपको कि व्यक्ति साहसिक प्रवृत्ति का होगा और आत्मरक्षक, स्वयं की भी रक्षा करेगा, अन्यों की भी रक्षा करने वाला रहेगा, लेकिन अगर कोई गलत व्यक्ति दिख जाएगा उसका खात्मा भी करने वाला रहेगा। सलाह नहीं आदेश चाहिए, जैसे कि मैंने बताया है कि सूर्य के समान इनको कोई व्यक्ति ऑर्डर दे आदेश दे तो ये उसका पूर्ण रूप से पालन करेंगे। एक बात है कि थोड़ा सा ये पहले कर देते हैं बाद में सोचते हैं, ऐसी भी स्थिति रहती है जिसके कारण थोड़ा इनको परेशानी का भी सामना करना पड़ जाता है। अभी एक बात है कि ऑप्शन मिलने पर अगर कहीं ना कहीं इनको ऑप्शन दे दिए गए तो वहाँ पर ये थोड़ा कन्फ्यूज़न की स्थिति में आ सकते हैं।
अभी ऑप्शन की बात करें, जैसे मान लीजिए एग्जाम है और एग्जाम में कई सारे क्वेश्चन कुछ चॉइस वाले क्वेश्चन आ जाते हैं, तो वहां पर व्यक्ति ऐसा व्यक्ति ज्यादातर कंफ्यूजन में देखने को मिलेगा, वो व्यक्ति कंफ्यूज हो जाएगा। या फिर अगर मान लीजिए कोई महिला है या लड़की है और उसको कह दिया कि सूट और साड़ी दो चीज़ दे दी, अब वहाँ पर वो व्यक्ति कन्फ्यूज़न में आ जाएगा। या इस रंग के कपड़े पहनने, मतलब दो रंग बता दिए, तो वहाँ पर व्यक्ति कन्फ्यूज़न में आ जाएगा। मतलब कहीं ना कहीं अगर यहाँ इनको ऑप्शन मिलने चालू हो जाए तो ये कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। कुछ व्यक्ति तो ऐसे भी होते हैं कि जिन्हें ऑप्शन मिल गए, मान लीजिए एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम में क्वेश्चन मिले कि 5 क्वेश्चन दे दिए, 5 में से 3 करने थे, तो ये 5 के 5 कर सकते हैं, इतने कन्फ्यूज़ रहते हैं, इन्हें सारे आते हैं मान लीजिए, क्योंकि बुद्धिमान है, काफ़ी बुद्धिमान है, तो हो सकता है कि 5 के 5 क्वेश्चन कर जाएँ, ऐसा भी आप समझ सकते हैं। अब देखिए, व्यर्थ की बातें पसंद नहीं होते, सीधे काम की बात। आप जानते हैं कि अगर आप किसी आर्मी मैन से भी मिलते हैं तो वहाँ पर उनको सीधा अपना जो काम से मतलब रहता है, वे फालतू बोलते नहीं है, क्योंकि मंगल का काम बोलने वाला नहीं रहता, मंगल का काम कुछ करके दिखाने वाला रहता है, आप इस तरह से समझ सकते हैं, और प्रोसेस को फॉलो करने वाले रहते हैं। कभी कभी बुद्धि का उपयोग ना करना, जैसा कि हमने बताया भी था कि अगर सही डायरेक्शन ना मिले तो फिर ये बिल्कुल शांत खड़े रह जाते हैं, वो बुद्धि का उपयोग भी नहीं ढंग से कर पाते, ऐसा समझ सकते हैं। स्ट्रॉन्ग हेड होता है, शार्प आई होती है। देखो इनकी आंखें, एक बात और है कि अगर आप मेष लगन या मेष राशि से संबंध, खासकर लगन से संबंध अगर आपका है, तब आपके चलने की जो स्पीड होगी वो बहुत तेज कह सकते हैं, मतलब स्पीड में काम करना, स्पीड में चलना, थोड़ा सा फुर्ती आपके शारीरिक रूप से आप काफ़ी फुर्तीले दिख सकते हैं, ऐसा यहाँ पर कहा जाएगा। साथ ही आपका जो माथा होगा वो काफ़ी मजबूत, और आंखें थोड़ी पन्नी होती है, शार्प आई व्यक्ति की देखी जाती है। छोटी छोटी गलतियाँ करना इनका स्वभाव होता है, छोटी छोटी गलतियाँ करते हैं, फिर उसके बाद ये उनको सुधारने का प्रयास करते हैं, क्योंकि इनका नेचर मूवेबल चर राशि है, तो इसलिए सुधारने का प्रयास, सुधार अपने आप को, स्वयं को सुधारने का प्रयास हमेशा करते हैं। ऑलवेज नीड ए डायरेक्शन, व्यक्ति को हमेशा एक दिशा डायरेक्शन की आवश्यकता रहती है, कोई व्यक्ति इनको दिशा निर्देश देते कि इस तरीके से इस काम को करना है, तो फिर ये उसको बड़े बखूबी अच्छे तरीके से करते हैं। तो कुल मिलाकर ये हमने राशि का या अथवा लगन का हमने देखा है। अब इसमें देखो, दोनों ही तरीके से आपको रिजल्ट देखने को मिलेंगे। राशि अगर आपका, तो केवल मन मन में विचार आएंगे और जो लगन होगा उसके हिसाब से आप वहाँ पे काम करते हुए नजर आएंगे, लेकिन अगर राशि और लगन दोनों ही है तो इसका ज़्यादा से ज़्यादा इम्पैक्ट आपके ऊपर पड़ने वाला है। तो जो भी आपको इसमें अच्छा लगा हो आप कमेंट सेक्शन में बता भी सकते हैं, कुछ डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय माता दी।